हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर वर्ल्ड के अंदर। और मैं डॉक्टर रईस आज आपका स्वागत करता हूँ ब्रेस्ट कैंसर की वीडियो के अंदर। नए दोस्तों का मैं कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा इशू जो है तो होते जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी हाई सोसाइटी के अंदर। ये देखने को मिल रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा आम होते जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि स्पेशली ऐसे लोगों के अंदर होता है जो हाई सोसाइटी के अंदर होते हैं। इस तरह से ये हाई सोसाइटी की बीमारी भी हम इसको समझ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह पुरुषों के अंदर भी होता है, महिलाओं की बीमारी नहीं है, ये पुरुषों के अंदर भी आजकल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले गायनेकोमास्टिया डेवलप होता है। गायनेकोमास्टिया के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, हमने वीडियो डाल के रखी है डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च उसको कर सकते हैं। गायनेकोमास्टिया हो जाता है, फिर उसके बाद मेल को उसके अंदर डेवलपमेंट चेंजेस हो जाते हैं। असल में जो ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि ब्रेस्ट कैंसर का अल्टीमेट इलाज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट नहीं है और ना ही हम ऐसा कुछ करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अगर हम डी स्टडी करेंगे तो हमें उसका इलाज मिल जाता है। मतलब इलाज इसका मतलब इन द सेंस ये है कि उसका रोकथाम हम कर सकते हैं और उसको हम बढ़ने से बचा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जो भी पेशेंट होता है उसको एक बात याद रख लेनी चाहिए कि उस सब चीज़ों के लिए उसको ज़्यादा प्रेस या फिर ऐसी चीज़ उसके ऊपर नहीं डालनी चाहिए, हीट या फिर ऐसा कोई चीज़ जिसकी वजह से वो और बढ़े। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे अच्छा डायग्नोस का तरीका ये है कि जो नड्यूल्स होते हैं आसपास के, जिसको हम लिम्फैटिक ड्रेनेज कहते हैं, ये राइट साइड, अपर, लोअर और मिडल, ये सब स्वेल हो जाते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। और जो जिस तरह से आपके सामने दिख रहे हैं लोब्यूल्स, डक्ट्स, ये तो इसके ऊपर भी स्वेलिंग आ जाती है और यहाँ पर से पेनफुल, उसको अगर कभी हम उसको प्रेस करते हैं तो ये पेनफुल होता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें इसके अंदर हो जाती है। बहुत सारी सिम्टम्स ऐसी भी होती है कि जो लंग्स तक पेनिट्रेट कर जाती है और कुछ बहुत सारी जो अगर स्प्रेडिंग रहा तो वो स्प्रेड करते चले जाता है आगे तक। लेकिन आज तक हिंदुस्तान के अंदर ये समझा जाता रहा है और समझ में आता है कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ महिलाओं के अंदर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पुरुषों के अंदर भी हो सकती है और पुरुषों के अंदर भी हमने बहुत जगहों पर इसको गौर किया है। पहले गायनेकोमास्टिया होगा, फिर उसके बाद ये डेवलप हो जाएगा ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के बाद उसके अंदर कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पुरुषों के अंदर भी हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हम पहले बात करेंगे एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक के अंदर बहुत सारे लोग जो है तो उसको रेडियो से या फिर उसको कीमोथेरेपी से या फिर अलग अलग तरीके से इसका इलाज करते हैं, तो लेकिन ये इलाज उसका नहीं है, उसका इलाज सर्जिकल रिमूवल भी नहीं है। हम अगर कभी होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथिक के अंदर हो सकती हैं। कार्सिनोजेनम भी हो सकती है या फिर एक ग्राफाइट बोलकर एक मेडिसिन है वो भी हो सकती है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है उसके पेशेंट की टोटैलिटी के बाद ही, बगैर किसी टोटैलिटी के या फिर बगैर किसी सजेशन के डॉक्टर की जो एक्सपर्ट होम्योपैथ है उसके अलावा इसको ना ले। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन जानिए कि हम हमारे जो कैंसर हो चुका है जिसको डायग्नोस किया गया है उसको हम बढ़ा देंगे और हमें तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो सबसे अच्छा ये है कि हम वो चीज़ करें जो करने को हमें अच्छा है, कि हम डॉक्टर के पास जाए, कोई अच्छे एक्सपर्ट होम्योपैथ के पास जाए, उसको अपना केस दे और उसके बाद हम उसके ऊपर मेडिसिन ले, तभी हम इसका जो है तो इलाज सही तरह से कर पाएंगे, अन्यथा इसका इलाज हम नहीं होगा और इसको परेशानी होगी। वैसे इसके ऊपर ग्राफाइट अच्छी मेडिसिन है और कार्सिनोजेन बोलकर एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है वो भी अच्छी है। इसकी पोटेंसी और अगर जैसे आपको लेना है, हमें हमारा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।